ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज IHBAS नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर निमेश जी देसाई। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं मन की हारी हार है मन के जीते जीत। मन को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। रहीमन कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखू गोए, सुनी इटलाए हैं लोग सब बांट न लहे कोई। जी हाँ, अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम हर हाल में खुश रह सकते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन कोरोना ने तन को तो प्रभावित किया ही है, साथ ही हमारे मन पर भी बुरा प्रभाव डाला है। कोरोना काल में बहुत सी ऐसी चुनौतियां आईं, जैसे आइसोलेशन में रहना, संक्रमण ज्यादा होने के बाद अस्पताल में परिजनों से दूर रहना, कोरोना से अपनों को खोने का दुख, कहीं मुझे भी कोरोना ना हो जाए इस बात का डर, लॉकडाउन के कारण बहुत दिनों तक घर पर रहना, इसके अलावा पोस्ट कोविड डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमनिया यानी नींद ना आना, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका निदान हर कोई जानना चाहता है। हमारे कई सारे श्रोताओं के ईमेल और सोशल मीडिया रिक्वेस्ट आई कि इस खास विषय पर कार्यक्रम किया जाए, इसलिए कोरोना का मानसिक स्वास्थ्य पर असर इस विशेष अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह, और इस विषय पर चर्चा करने और आपकी तमाम जिज्ञासाओं और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज इहबास के निदेशक डॉक्टर निमेश जी देसाई। डॉक्टर देसाई का मनोरोग में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस बेंगलुरु और एम्स नई दिल्ली के साथ भी जुड़े रहे। आपको जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से फेलोशिप भी मिल चुकी है। आपके 70 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स विभिन्न रेप्यूटेड जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर देसाई नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने रहीम साहब को याद किया और उसे भी अच्छी बात कही, मन के हारे हार मन के जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। शुरुआत इतनी अच्छी करी है कि हमारे श्रोता इसी से प्रोत्साहन ले लें जी। और डॉक्टर देसाई, कोरोना काल में अगर हम देखें तो इसकी दूसरी लहर में जिस तरह का मंजर लोगों ने देखा, उससे स्ट्रेस या तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं से काफी लोगों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कोरोना काल में किस तरह मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। आपने जैसे अपनी भूमिका में कहा और अभी जो सवाल पूछा उसमें कहा कि पहले 10-12 महीने 2020 में जो था वो एक डर था, भाई किसी को कोरोना हो रहा है, कम लोगों को हो रहा है, कहीं मुझे ना हो जाए, तो दूरी थी कोरोना से, डर था, सर्वव्यापी करीब करीब डर था, लेकिन फिर भी कोरोना ज्यादातर लोगों के लिए दूर था, किसी और को हो रहा था। दूसरी लहर ने इसको हमारे इतने समीप ला दिया कि हम में से कोई भी शायद भारतवर्ष में जरूर कोई ऐसा न बचा हो जिसके क्लोज फ्रेंड में, मित्रगण में, परिवार में, जानकार में कोरोना न हुआ हो। तो प्रत्यक्ष सामना हो गया पिछले 2 महीनों में दूसरी लहर में, तो उससे जाहिर है जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर असर था वो बहुत ज्यादा हो गया। शुरू में सिर्फ वो जैसे मैंने कहा डर था, खौफ था, बदनसीबी की बात मैं सिद्धार्थ ये भी कहना चाहूंगा और मैं ये पूरी जिम्मेवारी से अपने श्रोताओं को विनम्रता कहना चाहूंगा कि दूसरी लहर जो हुई उसका मानसिक कारण भी समझे जी। हमारी जिम्मेवारी अगर हम गौर करके समझेंगे तो तीसरी या चौथी लहर से पूरी तरह बच पाएंगे और बहुत कम होगी। हुआ ये कि मार्च 2020 से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, 2-2.5 महीने लॉकडाउन चला, फिर भी रिस्ट्रिक्शन रहे, उसके बाद जो दिवाली का त्योहार आया, बाकी त्योहार आए, तो कुछ थोड़ी सी लापरवाही हो गई। मास्क पहनने में लंबे अरसे तक ज्यादा क्राउड में रहना, अब जाहिर है किसी भी संस्कृति में, खासकर भारतीय संस्कृति में त्योहार का बहुत महत्व है, क्योंकि 6-8 महीने से सब लोग रिस्ट्रिक्टेड थे, बाधित थे जी। तो मेरा ये विश्लेषण है और बहुत सारे विश्लेषण हो चुके हैं कि दूसरी लहर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा खुद का रहा जी। मुझे लगता है जैसे दूसरी लहर खत्म हो रही है, ये सबसे मुनासिब मौका है हमें
चिंतन करके व्यक्ति रूप में, निजी रूप में और सामूहिक रूप में ये समझने का। इसको दूसरी तरीके से कहें, मैं मनोचिकित्सक के साथ जन स्वास्थ्य क्वालिफाइड एक्सपर्ट हूं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो व्यवहारिक मानव व्यवहार संबंधी चीजें हैं, बिहेवियरल साइंस, सामाजिक ज्ञान, साइकोलॉजी, इसका जन स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है ये समझा जाए और स्टडी किया जाए और मॉडिफाई किया जाए। और बदनसीबी की बात ये रही कि ये महामारी उसका सबसे बड़ा एक एक्सपेरिमेंट बन गया जी। अब तक ये था कि हम सब धीरे धीरे समझने लगे थे कि भाई आपका मेरा किसी एबीसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो कुछ हद तक अपने हाथों में है जी। मेरी जीवन शैली कैसी होगी, मेरी खाने पीने कैसी है, मेरी मनोस्थिति कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा मेरा स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों जी। अब ये हो गया कि सबका स्वास्थ्य सबके बर्ताव पर डिपेंडेंट, तो हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए अपने बिहेवियर से, कम्युनिटी को और सोसाइटी को कैसे हेल्थी रखेंगे नहीं रखेंगे जी। तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है जी। आपने एक बार गलती की दूसरी बार ना करें हम। बिल्कुल। और डॉक्टर देसाई, आपने अभी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करी, अगर हम देखें तो कई बार एक लोगों के अंदर ये देखा जाता है, अगर हम मास्क की बात करें तो मास्क ना पहनने का एक जो उनके अंदर ये होता है कि बहुत सारे कारण बताते हैं, वैक्सीन को लेकर बड़े सारे कारण बताते हैं, वो चीज जो उनको प्रोटेक्ट करता है। अब ये हाल हो गया है कि आप कोविड से नहीं डर रहे हैं, आप वैक्सीन से डर रहे हैं, आप मास्क। वो मैं उन डॉक्टर्स के बारे में सोचता हूँ डॉक्टर देसाई, कि किस तरह से लोगों ने पीपीई किट पहन के 12-12 घंटे काम किया और हमें तो सिर्फ मास्क लगाना है, तो शायद मास्क को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि वो उन्हें एक बोझ लगने लगा। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है दो तीन लेवल है इसके। एक तो है कि देखिए, किसी भी समाज में सच्चाई ये है कि थोड़े प्रतिशत, 2-4% व्यक्ति ऐसे होंगे जो बाय नेचर रिबेलियस है, विरोध करने की फितरत है, आदत है, जो भी विज्ञान कहे, जो भी समाज कहे वो गलत है, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा जी। मुझे लगता है अभी भी हमारे समाज में वो कम है और कम रहा है। दूसरे उससे ज्यादा मायने रखता है और महत्व रखता है, मुझे लगता है पिछले 1 साल में जो गलत जानकारी दी जाती जी, सोशल मीडिया पे खासकर, हाँ, या मुंह बोले जवानी, उसमें ये जो बेसिर पैर वाला डर फैलाया जाता है जी। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा डॉक्टरी रूप में, वैज्ञानिक रूप में, कि देखिए हम सब जानते समझते हैं, अगर गौर करें हमारे हर एक श्रोता समझेंगे अपने अपने स्तर पे जी, कि विज्ञान का जो अमलीकरण होता है किसी भी, खासकर डॉक्टरी विज्ञान में, कोई नई दवाई, नया इलाज ईजाद होता है, डिस्कवर किया जाता है, उसको एप्लीकेशन तक पहुंचने में 5-10-12 साल लग जाते हैं जी। अच्छा या बुरा, इस महामारी में ये हुआ कि वो टाइम गैप हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि इतनी गंभीर महामारी है कि वैज्ञानिक और डॉक्टर जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ शोध कार्य हो रहा है, उसका दूसरे दिन अमल होना होता है, क्योंकि जाने जा रही है जी। तो ये जो सिचुएशन बनी कि भाई हमें वो कंसिडर्ड एप्लीकेशन सोच विचार करके, गहराई से एविडेंस कलेक्ट करके लागू करें, ये मौका और ये लग्जरी हमें नहीं मिल रही जी। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। भाई जिनकी जाने बच रही है नए इमीडिएट एप्लीकेशन से, उनको फायदा है, लेकिन जो संशय करने वाले, बहुत ज्यादा विचार करके अपने पे अमल करने वाले लोग हैं, या जो गलतफहमी फैलाने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि भाई ये क्या बात हुई, कल तक ये बताए तो आज आप लागू कर रहे हो, इसका क्या प्रमाण है जी। अब ऐसे क्राइसिस के वक्त में पूरा संतुष्टि हो जी, ऐसा प्रमाण शायद न मिल पाए जी। जैसे विज्ञान इमर्ज हो रहा है, जैसे विज्ञान सीख रहा है, वैसे उसका मानव जाति के लाभ के लिए अमलीकरण हो रहा है। इस सच्चाई से हमें सबको अब कम से कम समझ के सुलह कर लेनी चाहिए कि देखिए, मुझे 100% प्रूफ शायद ना मिले जी, लेकिन आज का विज्ञान, भाई पिछले अप्रैल का 2020 का विज्ञान, नवंबर 2020 का विज्ञान या जून 2021 का विज्ञान जी, जो कहता है वो मेरे भले में और समाज की तरफ मेरा दायित्व है कि मैं उसको अमल करूं। मैं बार बार कहना चाहूंगा, न सिर्फ मेरी तरफ और मेरे परिवार की तरफ दायित्व है, समाज की तरफ दायित्व है
जी डॉक्टर देसाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई हमारे लिसनर्स को। और एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि आज की अगर हम जीवन शैली देखें, या कोविड एक टाइम चल रहा है, हर आदमी बहुत स्ट्रेस में रहता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से, तो अब जब हम तनाव में हों, ठीक है, तनाव चाहे काम का हो या वो किसी बीमारी का, ये अक्सर हमारे व्यवहार में भी दिखता है, तो हम तनाव मुक्त रहने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह की जीवन शैली को अपनाना चाहिए? प्रैक्टिकल लेवल पे देखें रोजाना जीवन में, तो जैसे भी हालात हैं, आप अकेले हॉस्टल में हैं, आप अकेले घर पे रह रहे हैं, या चार जने घर पे हैं, या डॉक्टरों की जैसे आपने की सिचुएशन ही ऑपोजिट है कि रोज काम पे जाना पड़ा चाहे डरो, जो भी अपनी अपनी स्थिति है उसके मुताबिक जो बेस्ट अपनी एंटरटेनमेंट या डायवर्जन ढूंढ सकते हैं हेल्दी कोपिंग वो करें। किसी को कीर्तन भजन कीर्तन से सुकून मिलेगा, फायदा मिले, किसी को म्यूजिक सुन के फायदा मिले, किसी को हो सकता है बातचीत करके लोगों से मिलकर फायदा मिले, चाहे हम वर्चुअल वर्ल्ड में मिले। एक दो तरह नीचे जाके कहना चाहूंगा, गहराई में, थोड़ी गहराई में, और मुझे विश्वास है हमारा हरेक श्रोता ये समझेगा, क्योंकि एक चीज हुई है इस महामारी ने, मुझे लगता है हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है जी। जो हम शायद पहला बिना सोचे जीवन जी रहे थे अपने ऑटोमेटिक मोड में। और गहराई की बात यह है कि विश्वास और धैर्य जी और सच्चाई का स्वीकार करना, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसको मैं स्वीकार करूं। मैं पूरी गंभीरता से एक लाइट हार्टेड एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपने कहा, मैं खुद अहमदाबाद से बेंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूं मेरे जीवन काल में जी। भाई जब मैं बेंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हो रहा था तो बात हो रही थी, अरे भाई देखो बेंगलोर का तो वातावरण और वेदर इतना बढ़िया रहता है पूरे साल, अब दिल्ली में तो ये कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी है, सर्दी में बहुत ज्यादा जाड़ा है जी। लेकिन किसी भी कारण से, किन कारणों से, जब मैंने तय किया कि मैं बेंगलोर से दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे वो सच्चाई दिल्ली की स्वीकार करनी है जी, कि भाई विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होगी, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी। मैं दिल्ली में रह के गोवा या बेंगलोर का वेदर एक्सपेक्ट करूं, ये गलत है। मैं 2020 और 21 के साल में 2017 की या 1995 की या 2000 की जो मुझे लिबर्टीज थी, छूट थी जी, उसके उम्मीद करूं और उसके लिए रोऊं तो गलत बात है। तो समय के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो स्वीकार करना मैच्योर इंडिविजुअल और मैच्योर सोसाइटी की एक निशानी जी। हाँ, ये जरूर है कि हम में से जो लोग कुछ कारणवश ऐसा आसानी से नहीं कर पाते हैं, उम्र हो, कोई और कारण हो, उनकी दूसरे लोग मदद करें जी। तो घर में पांच लोग हैं, उसे मान लीजिए एक दो व्यक्ति कि अलग अलग कारणों से इतना आसानी से सच्चाई से निवार नहीं कर पाते, तो बाकी व्यक्ति मदद करें, मित्रगण में यही हो। एक बात और यहाँ सिद्धार्थ जी समझने लायक, और मैं जब हम बात करेंगे आप और हम, तो हमारे श्रोता बड़ी आसानी से समझेंगे जी। दूसरे की मदद करके जो खुद की मदद होती है, जो संतोष मिलता है, जो खुद को समझ आती है, उससे बेहतर कोई सीख नहीं है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। टीचिंग इज दी बेस्ट वे ऑफ लर्निंग जी। तो उसी प्रकार दूसरों को मदद करके जो मिले, और हुआ है, बहुत अच्छा भी हुआ है, जैसे आपके हमारे सामने, सबके सामने उदाहरण है, विश्व भर में, पूरे विश्व समाज में, खासकर भारत जैसे दक्षिण एशियाई समाज में हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। वो पूरी आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस जो है, ऑटोनॉमी, वो मुझे लगता है सदन सिद्धि से हमारे संस्कृति का पहला मापदंड नहीं है। हमारा पहला मापदंड है हम एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं जी। अंग्रेजी में जो कहते हैं कलेक्टिविज्म एज कम्पेयर टू वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म, तो हुआ भी बहुत है। ये जरूर है कि बहुत सारे कारणों को लेकर कुछ हमारी भी जिम्मेवारी, हमारी सामूहिक जिम्मेवारी रही। दूसरी लहर बहुत ज्यादा जल्दी से फैल गई, बहुत तेज हो गई, और उससे निराशा फैल गई जी। अब समय है कि जिम्मेवारी से हम उसका विश्लेषण करें, समझें कि हम हालात को कैसे बेटर डील कर सकते थे, आगे कैसे डील कर सकते हैं। और फिर कहूंगा, धैर्य, विश्वास और सच्चाई को स्वीकार करना।
जी, ये जो आपने मंत्र दिया है धैर्य, विश्वास और सच्चाई को स्वीकार करना, मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को ये मंत्रास हैं जिससे वो जीना सीखेंगे और इस तरह के तनाव से बचेंगे। और एक और छोटी सी बात कह दूं, माफ करें जी, विवेकानंद जी को हम सब लोग जानते हैं, कुछ हद तक पहचाने हैं, बहुत लोग विवेकानंद जी को अभी तक पूरी तरह हम नहीं समझ पाए, बहुत कम लोग। विवेकानंद जी ने दो चीज कही थी जीवन में के लिए जरूरी, आप जो मंत्र हमारा कह रहे हैं आपका हमारा, उससे भी गहरी बात। विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था कि मानव जीवन के दो चीजें जरूरी है, एक तो उम्मीद जी, और दूसरा एक सेंस ऑफ पर्पस, जीवन का कोई लक्ष्य, जीवन का कोई एक मायने हो जी। तो मुझे लगता है कि इनको हम याद करें, विवेकानंद जी को याद करके, कि उम्मीद बनाए रखने के अलावा हम में से किसी के पास और कोई चारा है ही नहीं। हमारे सामने रास्ता सिर्फ एक है कि हम उम्मीद बनाए रखें। अब एक मिनट के लिए वो बात कर रहे हैं कि आपने अभी अपनी भूमिका में कही थी, दूसरी लहर में ये भी हुआ कि हम में से बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूबरू हो गए सच्चाई से बीमारी की। भाई किसी को वेंटिलेटर से गुजरना पड़ा, कोई आईसीयू में जाके वापिस आया, जैसे आपने कहा किसी का बच्चा या भाई या पति या पत्नी या माँ बाप आईसीयू में थे, महीने तक चेहरा नहीं देखा, मुलाकात नहीं हुई जी। कुछ परिवारों में डेथ भी हुई, लॉस हुआ। इन सब के लिए हम उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को पहचाने जरूर, पूरी तदानुभूति सहानुभूति रखें, लेकिन मेरी विनती ये रहेगी उन सबसे भी और हम सबसे कि उम्मीद रखने के अलावा और कोई चारा हमारे पास है नहीं। और सेंस ऑफ पर्पस, दूसरा पहलू बात कर ले, जो आर्थिक परेशानियां हैं, सामाजिक परेशानियां हैं, अकेले रह रहे हैं, 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकले, 1 साल से वो कहीं रेस्टोरेंट नहीं गए, सिनेमा नहीं, हॉल नहीं देखा, बहुत सारी चीजें जो हम ग्रांटेड लेते थे, वहां उसके एवज में, उसके बदले में सेंस ऑफ पर्पस है कि जिनकी भी हम मदद कर सकें करें। हमारा सबसे पहला दायित्व यह है कि मानव जाति को इस महामारी से निकलना है जी, और हम सबका ये पहला दायित्व है कि हम ये समझें कि हमारा एक ही फर्ज है अभी कि ये जो महामारी आई है उससे निकलना है जी। बिल्कुल। और डॉक्टर देसाई, कोविड के दौरान नींद ना आना यानी इंसोमिया की भी बहुत से लोगों में पोस्ट कोविड शिकायत आ रही है, या कई बार होता है कि एक बार नींद आने के बाद नींद खुल जाती है फिर दोबारा नींद ही नहीं आती, ऐसे में क्या करना चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? और ये सही अच्छा सवाल, और कई बार तो ऐसा होता है जी, इसका इसी सवाल से जुड़ा एक सवाल, इसका पार्ट बी भी है कि कई बार हम अलार्म लगा के सोते हैं ठीक है, या हम जब गहरी नींद में होते हैं और ऐसे में जब अलार्म बजता है या फोन आ जाता है तो एक गहरी नींद से एकदम से जब हम जगते हैं तो उसका शरीर पे क्या प्रभाव होता है? वो शॉक से उसमें मानसिक असर जरूर होता है, लेकिन कोई लंबे अरसे का स्वास्थ्य असर नहीं है। अनिद्रा लंबे अरसे की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करे, ये उसका असर है। और साथ साथ अनिद्रा अंदरूनी मानसिक तकलीफ का, बीमारी का लक्षण भी हो, दोनों संभव है भाई। अनिद्रा के द्वार से हम जाके समझ सकें उस व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मानसिक तकलीफ को, और उसे पहचानें, उसका इलाज करें। साथ साथ अनिद्रा का बुरा असर भी स्वास्थ्य पे हो सकता है, दोनों तरफा है सब। अब लेकिन एक बार फिर कहूं, आम जनता के लिए 80-90% व्यक्तियों के लिए जो स्लीप हाइजीन जिसको कहते हैं भाई, नींद के बारे में कुछ हाइजीनिक मेंटेन करना, 6-8 घंटे की नींद इनफ होनी चाहिए। अगर चिंता में है, टेंशन में है, 5-6 घंटे की नींद भी काफी है अगर आप ठीक है। शाम के 5-6 बजे के बाद हो सके तो कैफीन का कोई पदार्थ न ले, कोको कोला, चाय, कॉफी हो सके तो। खाने के बाद कम से कम 1-2 घंटे का या 2.5-3 घंटे का गैप हो, लेटे हैं सोने जाए उससे पहले, आखिरी आधे 1 घंटे में जी। नेगेटिव या उत्तेजित करने वाले न्यूज सुनना या सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते रहना बहुत गलत होगा। एक अमूमन रूल ये रहेगा कि सोशल मीडिया हो सके तो सोने जाए आप उससे पहले आधे 1 घंटे स्विच ऑफ कर दें। अगर 11 बजे आपका सोने का विचार है तो 10 बजे के बाद सोशल मीडिया या टीवी पे न्यूज आइटम देखना बंद करें जी। क्योंकि जो लास्ट 8 घंटे में 1-8 घंटे में हम देखेंगे वही मन पे चलता रहेगा, स्मृति चित्रपट की तरह।
तो आखिरी आधे एक घंटे में सूदिंग एटमॉस्फेयर हो, आप आराम से कोई लाइट म्यूजिक सुन रहे हैं, कमरे की लाइट बंद है ना, हम सबकी आदत ये हो जाती है, किताब जब तक पढ़ते थे फिर भी एक बात थी जी, ये जो विजुअल इम्प्रेशन है ना सिद्धार्थ जी, टेलीविजन की, सोशल मीडिया की, और वो भी बदनसीबी से खासकर नेगेटिव या डराने भड़काने वाली जी। मैं ये भी इज्जत करूंगा कि हर मीडियम का, रेडियो है, टेलीविजन है, प्राइवेट चैनल्स है, सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स है, हक भी है हर एक चैनल का कि वो अपनी मर्जी से दिखाएं, और उनका ये कहना होता है कि जनता जो देखना पसंद करती है वो हम दिखाते हैं जी। जनता को भी उत्सुकता है कि हम जानकारी लें, दोनों बातें मानी, लेकिन इसमें एक डिसिप्लिन तो हो सकता है कि भाई सुबह एक घंटा हमने न्यूज देख लिया, शाम में एक दो घंटा न्यूज देख लिया, जो जरूरी जानकारी थी वो हमने कर ली जी। टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पॉजिटिव या न्यूट्रल सूदिंग चीजें हैं, तो आखिरी एक डेढ़ घंटे में वो करें जी, बिल्कुल। तो सिंपल स्लीप हाइजीन विल हेल्प, अगर जरूरी हो तो डॉक्टर से सलाह करके, फैमिली डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से सलाह करके तभी नींद की दवाई लें जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे श्रोताओं से शेयर की है, और इस बीच जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इहबाज के निदेशक डॉ निमेश जी देसाई। आप भी डॉ देसाई से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। डॉक्टर देसाई, हम कॉल्स लेते हैं लिसनर की। सबसे पहली कॉल हमारी जो है मध्य प्रदेश में शिवपुरी से यशवंत जी की आई है, आइए जानते हैं क्या सवाल है यशवंत जी का। हेलो यशवंत जी, नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। यशवंत जी बोल रहा हूँ, बताएं। सदर बाजार से जी, हमारे शिवपुरी में मानसिक रोगी 5000 है। आपने आज बहुत अच्छा विषय लिया है कि जो मानसिक रोगी ऑप्टिज्म के जो मरीज होते हैं उनको हम किस प्रकार वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वो सहयोग नहीं करते जी। डॉक्टर देसाई, यशवंत जी बात बहुत सही है। जो मानसिक रोगी हैं उनके दो समस्याएं हैं यशवंत जी और सिद्धार्थ जी। एक तो ये कि चूंकि महामारी जैसे समय में ट्रीटमेंट में ब्रेक पड़ जाता है, या तो परिवार की लाचारी से या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ना हो, तो पहली बात तो ये ना होने दे जी। मैं सब श्रोताओं से ये विनती करना चाहूंगा कि जो भी लंबे अरसे की कोई भी शारीरिक या मानसिक बीमारी है उसके ट्रीटमेंट में जहां तक हो सके ब्रेक ना करें, हो सके तो टेलीमेडिसिन से कंसल्ट करके दवाई और इलाज जारी रखें। जो वैक्सीनेशन का सवाल मानसिक रोगों के लिए पूछा है, विवेश जी ने बहुत अच्छा पूछा है जी। कोशिश हमारी रही है और सरकार भी विचार में है कि जो बाकी आईडीज बताए गए हैं उसमें मानसिक रोगों को भी इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन जहां जहां मानसिक रोग के अस्पताल हैं या किसी भी जनरल हॉस्पिटल में जी। जो सामान्य अस्पताल मेडिकल कॉलेज है वहां के जो मनोचिकित्सा विभाग है वहां से सलाह करें, वो आपकी मदद जरूर कर देंगे कि मानसिक रोगियों की वैक्सीनेशन कैसे कराई जाए जी। जो भी दिव्यांग जन है हमारे साथ शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण, उनके लिए हो सके तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या जिस स्कूल में जिस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा है वहां बात करें। हाँ, एक सीमा जरूर है, मैं खुद भी इससे वाकिफ हूँ, हमारे परिवार में भी समस्याएं हैं जी। हमारी माता जी की समस्याएं, सिद्धार्थ जी सच बताऊं जी। अहमदाबाद में वो अकेली रहती हैं या वो घर से बाहर निकल नहीं पाती, घुटनों में समस्या इस कारण इसलिए वैक्सीनेशन हो नहीं पा रही है। मुझे उम्मीद ये है कि होम बेस्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी एक या दूसरे प्रकार से शुरू होगा, लेकिन मैं यशवंत जी की सच में दिल से दाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात कही, जो मानसिक रोगी हैं उनकी समस्याओं पे ध्यान हमें और देना चाहिए। आज हम जरा हमारी बातचीत में दूसरे मोड पे चले गए, साइकोलॉजी का असर, जो मानसिक रूप से पीड़ित बीमार व्यक्ति पहले से थे या नए हुए उनकी समस्याओं पे शायद बात नहीं कर पाए, आने वाले मिनटों में कुछ वो भी कर लें जी। बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं रामपुर उत्तर प्रदेश का, जहां से रियान जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। रियान जी नमस्कार। हेलो रियान जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी रियान जी, अपना सवाल पूछिए जी। अपना जी अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए। आदाब आदाब, फरमाएं।
जिला रामपुर से ध्यान बोल रहा हूँ जी। बताइए, ये कहना चाह रहा हूँ जो लोग परेशान है, बड़े परेशान है, लोग कैसे निकलना, कैसे खाना खाएंगे, परेशानी सुनने चाह रहे सर जी। अपनी किस तरह की दिनचर्या है, लोग कैसे निकलना, कैसे खाना खाएंगे जी। डॉक्टर देसाई, ये बात तो है, मुझे रेहानी की बात जितनी समझ आई कि जो आर्थिक समस्याएं हुई है लॉकडाउन से और जो आर्थिक मंदी आई है उससे बहुत सारे परिवारों को रोजाना जीवन में मुश्किल हो रही है। हम ये सोचें कि सरकारी तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं। दूसरा, हम ये भी सिद्धार्थ जी याद कर दें कि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हमसे तो महानगरों में, शहरों में जी। ये जो रोजाना जीवन की समस्या है, मतलब 21वीं सदी में जाहिर है कोई भूखा सोए चाहे महामारी के दौरान, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। मुझे लगता है स्वयंसेवी संस्थाएं जी, बहुत से लोग आगे आके मदद कर रहे हैं। और डॉक्टर देसाई, थोड़ा सा इनका इशारा जो है वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ भी था कि जिस वजह से स्ट्रेस है, तो तनाव मुक्त रहे, कैसे तनाव मुक्त रहे जी। ओके, अच्छा, तो भाई रेहान जी, ऐसा है कि जैसे शुरू में कहा था सिद्धार्थ जी ने, मन के हारे हार है, तो हम में से ज्यादातर लोग इतने काबिल हैं, सक्षम हैं कि हम हमारे मन को थोड़ी कोशिश करके डाइवर्ट या कंट्रोल कर सकें। जो महत्व की बात है कि जो मानसिक बीमारी के कारण या किसी और कारण से अगर इतने समर्थ नहीं है, तो लेवल वन पहले हम उनकी मदद करें पारिवारिक रूप में या दोस्ती रूप में, अगर ना हो सके तो किसी बड़े से परिवार के या सरपंच जी से बात कराएं, फिर भी ना हो तो डॉक्टर से, मनोवैज्ञानिक से, मनोचिकित्सक से सलाह करें। और सिद्धार्थ जी, यहाँ संक्षेप में थोड़े आंकड़े दे दें, ज्यादा गहराई में न जाके, कि भारतवर्ष में ये कहा गया है वैज्ञानिक रिसर्च से कि करीब 10% व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हैं जी। तो 100 में से 10 जने 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनकी मानसिक बीमारी है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट आंकड़ा ये है कि उन 10 में से सिर्फ 2 व्यक्ति आज की तारीख तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचे हैं जी। जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रीटमेंट गैप, जो मानसिक स्वास्थ्य के बीमार व्यक्ति हैं रोगी लेकिन सेवाओं तक नहीं पहुंचे, ये 10 में से 8 या 100 में से 8 है। और शायद तो एक अंदर से ये रहता है कि इसे वो लोग बीमारी समझते ही नहीं है। हाँ, और दूसरा सिद्धांत ये हो रहा है कि इस समय के दौरान उस व्यक्ति के लक्षण थोड़े और प्रोमिनेंट हो जाते हैं या समाज और परिवार समझने लगता है, क्योंकि इस महामारी का एक वो बड़ी बड़ी विडंबना है हमारे लिए भी कि भाई मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक बीमारी को जो समाज अब तक नहीं समझ रहा था वो पहचानने लगा है। तो जैसे पहचान बढ़ी है, पड़ोस के लोग या मित्रगण अब देखते हैं कि या भैया इसको तो परेशानी है जी, बिल्कुल। तो वो जो हिडन प्रॉब्लम थी वो अब सामने आ रही है जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय है कि हम मानसिक तकलीफों को बीमारी के रूप में पहचाने, स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में पहचाने और उसका मुनासिब इलाज करवाएं। खुद कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि दवाई से ही इलाज हो, बातचीत से, काउंसलिंग से भी इलाज हो जाए, व्यक्ति की मदद हो जाए जी। तो काउंसलिंग से एंड और दवाइयों से। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर देसाई, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी सेकेंड वेव से भी उभर चुके हैं, जो नुकसान हुआ, जो पीड़ा हुई उसको हम स्वीकार करें। अब हमारा जिम्मा है और उम्मीद हमारी 10 गुना 100 गुना और होनी चाहिए कि अब आगे रास्ता और सुगम है, उम्मीद जी। बहुत ही एक जो आपने उम्मीद की बात की है, मुझे लगता है कि शब्द छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। और शायद जीवन में अगर उम्मीद है तो लोग कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपका इसी संदेश के साथ आप इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर देसाई ने आपको कोरोना से बचने के लिए और अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, उन्होंने बात की उम्मीद की। उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, आप इन सब बातों का पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए। कोरोना की जंग में मन को मजबूत रखते हुए अपना हौसला बनाए रखिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज IHBAS नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर निमेश जी देसाई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।